जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से पर खोला के है इश्क मोहब्बत। दुर्गा को देखकर जय ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो तो यही कहता है कि जय को सीडीज की चोरी का कोई अंदाजा नहीं। लेकिन अगर सीडीज जय के पास नहीं तो किसके पास है? मोक्ष तनु के रूम में क्या कर रहा था? गायो नीचे चलो, तुम्हें डांस के लिए बुला रहे हैं। हाँ मैं आ रही। अच्छी लग रही है। आज मेरी मम्मी की शादी है। तो मम्मी की शादी हो रही है।
किससे शादी हो रही है? पागल, मम्मी की शादी तो हमेशा पापा से होती है। हाँ, मेरी मम्मी की शादी पापा से नहीं हो रही है, अंकल से हो रही है। अंकल से? इसका मतलब तुम्हारे मम्मी पापा तुमको प्यार नहीं करते? इसके मम्मी उसको प्यार नहीं करते, वो तुमको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अथर्वा के मम्मी और अथर्वा के पापा अथर्वा को बहुत प्यार करते। अथर्वा, एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पापा। सबसे ज्यादा प्रेजेंस तुम्हें कौन देता है? मामा। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी ऐसी बात मत मानना, ओके अथर्वा?
वालिया सर, आई होप यू आर एंजॉयिंग द पार्टी। खुश तो तुम्हें होना चाहिए अपराजित, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नकली लग रही है। खूब पहचाना वालिया साहब, मेरी ये नकली मुस्कुराहट तो बहुत जल्द खिलखिलाहट में तब्दील हो जाएगी, लेकिन आप बहुत जल्द जिंदगी भर दुर्गा के लिए अपने दिल में नकली नफरत और असली दर्द लिए घूमते नजर आएंगे। जानता हूं, धोखा तो हम दोनों दे रहे हैं बानी को, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जो कर रहा हूं सिर्फ उसे खुश देखने के लिए कर रहा हूं, और तुम जो कर रहे हो सिर्फ उसे पाने के लिए कर रहे हो, और जिस दिन वो सच जान जाएगी तब। वालिया साहब, भूल गए मुझे, अनोखा अद्भुत अपराजित दे, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से दुर्गा और मेरे रिश्ते में खलल पड़े, समझे? वहां कहां जा रहे हैं? पार्टी तो उस तरफ है, गो एंजॉय। अपने मेहमानों की इज्जत करना सीखो, लर्न टू रिस्पेक्ट योर गेस्ट्स। और तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे? डजंट सूट यू, रिलैक्स। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप क्यों? सिर्फ अपराजित की धमकी से डर कर? ये जानते हुए भी कि उसके मन में अपराजित के लिए कोई भावना नहीं, मैं बानी के भले के लिए आज तक ये नाटक करता हूँ, पर आज उसी वजह से बानी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। क्या मैं उसे जाने दूँ? जय, क्या मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या तूफान चल रहा है, बानी के बारे में सोच रहे हो? नहीं आदित्य, ऐसा कुछ नहीं। जय, तुम बानी से इतना प्यार करते हो कि चाह के भी उसे अपने अंदर नहीं छुपा पाए, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। जय, तुम्हारे मन में जो दुविधा चल रही है उस दुविधा का रास्ता भी तुम्हारे मन के पास ही है। जय, अपने दिल की बात सुनो, दिल की आवाज आत्मा की आवाज होती है, अपनी आत्मा की आवाज सुनने में उसका काम मानने में कोई गलत नहीं है। जय, आज तक तुम बानी से दूर रहे क्योंकि तुम बानी का बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है। अपने दिल की बात सुनो जाए, और उस बात को मानो, उस बात को मानो जाए। इतने खुशी के मौके पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मजाक उड़ा रही है मेरा? बिल्कुल नहीं, आप पे क्यों हंसूंगी? मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आपकी और मेरी मंजिल एक ही है। मैं भी चाहती हूँ कि बानी दी की शादी आपसे हो जाए। आपकी बानी दी को देखकर ये लगता नहीं है कि वो ये शादी करना चाहती है, और अगर नहीं करना चाहती है तो। मिस्टर देव, आई एम शॉक्ड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। अरे, आपकी मंजिल इतनी करीब है और आप उसी से डगमगा रहे हैं। यू डिजर्व बानी, आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे शादी करने के लिए राजी है। क्या आपके दिमाग में शक मिस्टर वालिया की वजह से? आप झूठ ना सोच रहे हैं, अरे हमारे पास वो सीरीज है, उनकी वजह से मिस्टर वालिया बानी जी को कुछ नहीं बताएंगे। वो सीरीज गुम हो चुकी है। What? Oh my God, ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर देव? मैं नहीं जानता कि वो सीडीज कहाँ थे, कौन लेकर के आया, मैं सिर्फ जितना जानता हूँ कि अब वो मेरे पास थे। अगर वो सीडीज बाहर की तरफ पहुँच गई तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। वालिया को देखकर इतना तो समझ में आता है कि वो सीडीज अब तक वालिया नहीं पहुँची। हाँ, उनके पास नहीं है।
और किसी के पास तो है, और अगर दो सीढ़ी बात की तो पहुंच गई, सारा सच बाहर आ जाएगा। मिस्टर देव, अगले 24 घंटे मेक श्योर कि अगले 24 घंटे में वो सीढ़ी पानी दी तक किसी भी हालत में ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो उसके बाद पहुंच जाए तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब तो बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि उन्होंने आपसे शादी कर ली होगी। पानी दीदी, रानू दी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों? दुर्गा दी से लगता है दुर्गा दी बहुत थक गई इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है, आप उनके बाद में मिल लीजिएगा। प्लीज डू मी अ फेवर, तुम्हें बैग अपने पास रखना होगा, अगर ये बैग कहीं खो गया तो वो लोग मुझे। सीधी इसमें क्या हो सकता है, मोक्ष नहीं है इसमें क्या रखा है? पानी कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ काम था। आपका फोन आया हुआ है, कोई साक्षी है यूएसए से, चलिए ना जल्दी। हाँ ठीक है, चलिए चलिए आइए। आज आप हार कर भी जीत कर मिस्टर पर, और मैं जीत कर भी हार गई। जो भी हासिल किया मैंने कभी नहीं चाहा था, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, मैंने कभी नहीं चाहा था ये सब। लेकिन जिसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे मैं नहीं पा सकी। आज भी मेरे बच्चे आपके पास हैं, जिनके लिए 5 साल तक मैं तड़पती रही, आज भी वो आपके पास है। मेरी शादी होने जा रही है उस इंसान के साथ जिसे मैं प्यार नहीं करती, और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और अफसोस क्यों होगा, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनसे शादी करूंगी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना वादा निभाऊं, पर पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ये आंसू, क्यों मैं खुश नहीं हूं। बानी, एक बार, बस एक बार कह दो कि तुम इस शादी से खुश हो, एक बार कह दो कि तुम अपने मन से ये शादी नहीं करना चाहते। मैं वादा करता हूं कि मैं ये शादी रुकवाता हूं। क्या वही जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझसे कह रहा है कि तुम खुश नहीं हो पाई। इस बार एक बात मुझे तुम्हारे अंदर की बात बता दो, मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद कोई भी तुम्हें ये शादी करने से मजबूर नहीं करेगा। मिस्टर बागिया, रिश्ते आप तोड़ सकते हैं, मैं नहीं। धोखा देना आपको आता है, मुझे नहीं। मुझे मुझे धोखा दीजिए, मुझे पागल साबित किया। मेरी पत्नी पागल इज लॉस्ट इन वो अपने होश खो गई। कैसे शादी किया? Thank you.
पता नहीं आपके कहने पर मैं कोई कदम उठाऊंगी। आप सोचते हैं कि मैं उस इंसान को दूंगा जिसने मुझे 5 साल तक सहारा दिया है। मेरा कोई रिश्ता नहीं, वादा किया है और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। मैं उसे शादी जरूर करूंगी, चाहे या ना चाहे। आपने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया, मिस्टर वाली, मेरा नाम मिटा दिया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, फिर भी समझते हैं कि मैं उस इंसान को धोखा दे सकती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपसे रिश्ता जोड़ने के बाद रिश्ते से डर लगता है। हिस्से का सच कह दे पर मैं तो सच जान कर भी अपना सच नहीं कह सकता। मैं हार चुका हूँ, तुम्हें हार चुका हूँ, अपने प्यार को हार चुका हूँ, अपने जीने की वजह हार।